नमस्कार बच्चों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तंदवाल से मैं सुनीता मैडम। आज मैं आठवीं क्लास में 1.1 में आपको पहला टॉपिक योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा करना। योज्य का मतलब ऐसी रकम जिसको जमा करने पर उसका आंसर जीरो आए। जैसे 2/8, इसका अगर मैं उल्टा करती हूँ मतलब साइन उल्टे करने हैं। अगर वो प्लस का है तो उसके साइन हमने उल्टा देने हैं माइनस। अगर मैं इन दोनों को 2/8 - 2/8 करती हूँ तो हमारा आंसर जीरो है, तो वही योज्य प्रतिलोम बनेगा। जैसे दूसरा उदाहरण है -6/5, तो सिर्फ हमने उसके निशान बदलने हैं, साइन बदलने हैं। अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर वो प्लस का है तो साइन उलट कर माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण योज्य प्रतिलोम का, -3/-5, तो आंसर क्या बनेगा? -3/-5, माइनस से माइनस कट गया तो रह गया हमारे पास 3/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम बनेगा -3/5। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3/5 में जब -3/5 को मैं करूँगी तो आंसर हमारा जीरो आना चाहिए, तो इसलिए 3/5 रह गया, तो उसका योज्य प्रतिलोम -3/5। इसी तरह से एक और उदाहरण 19/-3, तो हमारा योज्य प्रतिलोम बनेगा 19/3। दूसरा है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा करने पर हमारा आंसर हमेशा एक आए। उदाहरण के लिए -6, इसमें हमने क्या करना है, जैसे योज्य प्रतिलोम में हमने सिर्फ साइन बदला था, गुणात्मक प्रतिलोम में हमने रकम को उलट देना है। अगर वो 6 है तो 1/6 हो जाएगी, ताकि 6 से 6 कट के माइनस से माइनस कट के आंसर एक। दूसरा है -17/13, तो ये 13/17 हो जाएगा। जैसा कि पहले उदाहरण में 6 के नीचे कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1, उलट देंगे तो 1/6, साइन वही रहेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। पहली रकम में सिर्फ साइन चेंज हुए थे, पहले उदाहरण में, पहले टॉपिक में योज्य प्रतिलोम में, इसमें हमारी रकम उलट जाएगी। जैसे 17/13 तो 13/17, साइन माइनस का है तो माइनस का। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल -1/5, इसका साइन वही रहेगा और उलट के आ जाएगा -5/1। -5/3 गुना -2/7, इसको जब मैं गुना करूँगी, पहले इसको हल करना है, 5 को 2 से गुना करूँगी 10, माइनस माइनस प्लस, 3 को 7 से गुना करूँगी 21, 7 + 21, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा 21/10, क्योंकि जब मैं इन दोनों को गुना करूँगी तो आंसर हमारा एक रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप इससे रिलेटेड 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक पर करें। धन्यवाद।